zindagi.com only on 100.3 FM Radio Pink City. Kuch to khaas hai, kuch to baat hai. Mera sahas, meri shaan, mera samman hai mere baba. Meri taakat, meri poonji, meri pehchaan hai mere baba. Meri maa ki bindi, mere ghar ki neev, meri behan ka gurur hai mere papa. In short, hamara jahan hai hamare papa. Aaj Father's Day hai aur Father's Day special hum aapke liye lekar aaye hain zindagi.com mein. Agar aap hai papa zara hatke to dial up kariye hamara studio number 2200700. Shweta kar rahi hai aapki calls ka intezaar. ज्ञानी जन कह गए हैं कि पापा ही वो ऐसे शख्स होते हैं जो बेटे की ऊंचाइयों को देखकर बेहद खुश होते हैं और जरा सा भी जेलस फील नहीं करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर, जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, नाम बताइए। मैं मनोज बात कर रहा था जयपुर से। जी मनोज जी, आप कैसे हैं पापा जरा हटके? एक्चुअली मेरे दो बच्चे हैं, अर्जुन एंड खुशी। जी, खुशी मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है एंड अर्जुन मेरे अडॉप्टेड सन है। और मैं ये सोचता हूँ कि हमारे सोसाइटीज में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पेरेंट्स का प्यार नहीं मिल पाता एंड हमें उनको भी प्यार की जरूरत होती है, तो इसीलिए मैंने अपने बच्चे को अडॉप्ट किया और आज हम एक कम्प्लीट फैमिली है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने जितने भी सोसाइटीज में लोग हैं उनको कम से कम एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहिए ताकि उन बच्चों को भी प्यार मिल सके और उनको भी एक पेरेंट्स का जो लगाव होता है वो भी उनको मिल सके। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच मनोज, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत ही गहरी बात इन्होंने कह डाली। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके सर पर पिता की छाव नहीं है, तो क्यों ना हाथ बढ़ाकर उन बच्चों को अडॉप्ट कर लिया जाए और मनोज की तरह एक बड़ा सा दिल रखकर उन्हें आगे बढ़ाया जाए। आप कैसे हैं पापा हटके जनाब, शेयर करिए हमारे साथ। 2200700 हमारा स्टूडियो नंबर। हैप्पी फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम पर। आप हैं आरजे श्वेता के साथ, श्वेता के साथ सिर्फ रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम पर। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। अगर आप पापा हैं तो आप वैसे ही बहुत स्पेशल हैं, लेकिन कुछ पापा बिल्कुल हटके हैं। हमारे साथ एक कॉलर। हेलो जी, अपना नाम बताइए। गजराज जी, बताइए आप कैसे हैं पापा? थोड़े डिफरेंट। डिफरेंट इसलिए है कि मैंने मेरे बेटे को रात में पाला है। एक महीने की बच्ची थी, माँ एक्सपायर हो गई थी। आज मेरा बेटा राजा बेटा है मेरा, राजकुमारी तरह समझते। बिल्कुल, कितनी मजदूरी कर लूँ, कुछ भी काम कर लूँ, कैसे खाली पैसा उसके लिए कमा रहा हूँ। मेरी बेटी में किसी तरह की जरूरत हो, किसी तरह की आवश्यकता हो, उसकी पूरी होती रहे, जो ख्वाब है सब पूरा होता है। जी गजराज जी, क्या दिक्कतें आई थी जब आप इसे बड़ा कर रहे थे? आप एक सिंगल फादर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स थी? दिक्कत तो बहुत आई थी, एकदम माँ मर गई, कहाँ से क्या करूँगा, कैसे करूंगा। एक महीने का बच्चा बात बात में गंदगी करता है, उसकी धुलाई करना, फिर पानी दूध गर्म करना, ठंडा करना, गर्म करना, ठंडा करना, रात को सोना नहीं, कई रातों सोया नहीं हुआ, कई रातों तक मुझे नींद आती थी भयंकर, लेकिन करूँ क्या, काम करता था, काम जरूरी है, पैसा जरूरी है, पैसा कमाऊंगा जो भी पालूंगा उसको। जी जी जी। अब मेरी बेटी राजकुमारी तक है, अच्छी है, आज भी उसी लिए कमा रहा हूँ और मरूंगा तब तक उसके लिए कमाऊंगा। चलिए, थैंक यू सो मच गजराज जी, आप हमारे साथ जुड़े और वाकई इनकी बेटी पापा की परी है। किस तरह आज इस बच्ची को इन्होंने बड़ा करा, ये बता रहे थे कि 17 साल की हो गई है वो, और हर लम्हा बड़ा ही कठिन था इनके लिए, लेकिन अपनी बेटी के लिए इन्होंने हर मुश्किल को पार किया। आफ्टर ऑल फादर्स आर लाइक दैट। पापा लोग एक सूरज की तरह होते हैं, बेशक गर्म होते हैं, लेकिन जब वो नहीं होते तो जिंदगी में अंधेरा छा जाता है। अगर आप भी पापा हैं जरा हटके तो डायल अप करिए हमारा स्टूडियो नंबर 2200700। आपके फोन कॉल्स का इंतजार कर रही है आरजे श्वेता। आज ज्यादातर मेल आवाजें ही सुनाई दे रही है। हमारे साथ एक कॉलर, देखते हैं वो कैसे हैं इतने डिफरेंट। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, नाम बताएं। मैं साहिल बोल रहा हूँ। साहिल, हाउ आर यू अ डिफरेंट फादर?
I got separated like after 5 years of my marriage. Okay. And I have a lovely daughter. Mm-hmm. And वो 3 years की थी जब मेरा separation हुआ. Now she is 9 years old. Mm-hmm. Her name is Shreya. Mm-hmm. And I never thought to remarry. And my daughter was totally supportive mm-hmm. in this mm-hmm. in this decision of mine. Mm-hmm. It's definitely tough to raise a daughter, but mm-hmm. when you see smile on your face, it makes all worth it. Mm-hmm. I try to spend as much as possible as time with my daughter. She's a stress buster for me. Mm-hmm. And initially, मैंने अपनी work life से भी off लिया 2 साल के लिए. Mm-hmm. उसको totally raise करने के लिए because mm-hmm. you have to be totally committed. Mm-hmm. And अभी helping her and managing her with school and my work life, it's totally different and it's like make you a better human being. And now she's become my best friend. I understand. Thank you so much. आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी मन की गहराइयों को हमारे साथ शेयर करा. Life is not easy when you are a single parent, and there is a lot of pain in these people's life, and you can sense it in their voice. बहुत मुश्किल है एक बच्चे को अकेला पालना. पापा और मम्मा दोनों वो गाड़ी के जिसे कहते हैं ना पहियों की तरह होते हैं जो बैलेंसिंग करते हैं. अगर पापा कड़क होते हैं तो मम्मा नरम होती है, और अगर मम्मा नरम होती है तो पापा कड़क होते हैं. इनफैक्ट मुझे कई बार लगता है कि पापा उस नीम के पेड़ की तरह होते हैं जो बेशक बोलने में थोड़े कड़वे और कड़क होते हैं लेकिन बहुत ही गुणकारी होते हैं. एक बात ऐसी कह जाते हैं तो जो जाकर आपके दिल में लग जाती है और ताउम्र आपको याद रहती है. अगर आप भी हैं कोई डिफरेंट किस्म के पापा, अगर ऐसी कोई खास बात है आप में जो आपके फादरहुड को स्पेशल बनाती है, जो आपको स्पेशल बनाती है, तो शेयर कर सकते हैं आप रेडियो पिंक सिटी के साथ. हमारा स्टूडियो नंबर है 2200700. इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM. आप हैं आज श्वेता के साथ, श्वेता के साथ सिर्फ रेडियो पिंकसिटी 100.3 FM पर. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है. आप और हम इंजॉय कर रहे हैं फादर्स डे स्पेशल और सेलिब्रेट कर रहे हैं फादरहुड को उन चुनिंदा फादर्स के साथ जो जरा हटके हैं. आपने बहुत सारे कॉलर्स को सुना और मोहम्मद शाहरुख ने बहुत ही खूब बात कही. उन्होंने कहा कि जो हमारे खर्चे होते हैं वो बस हमारी आमदनी से पूरे होते हैं लेकिन शौक हमारे तो बस पापा ही पूरे करते हैं. हमारे साथ एक कॉलर है, देखते हैं वो कैसे हैं पापा जरा हटके. हेलो. हेलो, गुड मॉर्निंग. कौन बोल रहा है? गुड मॉर्निंग, आई एम ऋषभ चावला. आई एम एज 28 इयर्स. आई लॉस्ट माय फादर व्हेन आई वाज 13 इयर्स ऑफ एज एंड फ्रॉम देन आई हैव लाइक have to stand up for my family, for my sisters and mom. I'm so proud mm-hmm. that God gave me this chance and I did the best I can do for my family. Mm-hmm. And I realized in this age that how much willpower it needs to be a father. Mm-hmm. So to all the listeners, I really want to say respect your real hero, your family, your parents, mm-hmm. because you are the luckiest one to have them. सो ट्रू. थैंक यू सो मच ऋषभ, आप हमारे साथ जुड़े. और एक छोटा सा बच्चा जो 13 साल की उम्र में अपने पिता को खो देता है वो कैसा होगा? इन्होंने जो बात कही वो दिल को छू गई. बेशक ये पापा बायोलॉजिकली ना हो किसी के, लेकिन फिर भी ये पापा है अपनी बहनों के, ये साथी है अपनी माँ के, और इन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली. बहुत डिफिकल्ट होता है फादरहुड को अडॉप्ट करना, एक्सेप्ट करना. फादर एक महज शब्द नहीं है. बाबूजी या पापा सिर्फ एक दर्जा नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. एक ऐसा मुकाम है जब आप जिंदगी में उसे महसूस करते हैं तो वो अपने साथ अथॉरिटी के साथ साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर आती है. ऋषभ, कूडोज टू यू, आपने इतनी यंग उम्र में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करा और उसे बखूबी निभाया भी. रेडियो पिंक सिटी करता है आपको सलाम. और जनाब, अगर आप हैं पापा जरा हटके तो जुड़िए हमारे साथ. 2200700 हमारा स्टूडियो नंबर. श्वेता आपका कर रही है इंतजार. zindagi.com ओनली ऑन 100.3 FM.
रेडियो पिंक सिटी, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। Zindagi.com में आज हमने और आपने मिलकर फादर्स डे स्पेशल सुना और ऐसे डिफरेंट फादर्स को सुना जो सिंगल पेरेंट्स थे, सेल्फ अज्यूम्ड पेरेंट थे, अडॉप्टेड किड्स जिन्होंने अपनाए, जिन्होंने किड को अडॉप्ट करा, इस तरह से वो पापा बने, या फिर एक और किस्म के पापा जो बहुत डिफरेंट जो मुझे लगते हैं वो है सरोगेट फादर्स, करण जौहर और तुषार कपूर जैसे, जो रहना तो इंडिपेंडेंट चाहते हैं, शादी नहीं करना चाहते, लेकिन सरोगेसी के थ्रू वो फादरहुड को इंजॉय कर रहे हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम कर रहे हैं और बखूबी निभा रहे हैं। सभी फादर्स को मेरा सलाम। हर दिन फादर्स डे होता है। एक फादर ही तो ऐसा होता है जो आपका दोस्त भी है, जो आपका मेंटोर भी है, जो आपका हमदम हमराज भी कह सकते हैं। कई केसेस में ऐसा होता है, कई बार कई पापा बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन कई पापा बहुत ज्यादा डोटिंग होते हैं, बहुत ज्यादा लविंग होते हैं। आप जैसे भी पापा हैं, आप बहुत ही स्पेशल हैं, क्योंकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बखूबी निभा रहे हैं, ये जानते हैं हम। बहुत लकी हैं आपके बच्चे आपके जैसे पापा को पाकर। सभी पापास को रेडियो पिंक सिटी का सलाम। अगर आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे फेसबुक पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम पर जा सकते हैं, वहां पर अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। zindagi.com only on 100.3 FM Radio Pink City. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।